और यहाँ पर अभी करीबन 60 भेड़ों को। तो देखो दोस्तों, इधर देखो इतना जंगल है, इधर शाम को बाघ भी रहता है, और ये देखो रिंगालियाँ हैं। और गाइस तो गाइस सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गाइस आज जा रहे हैं हम जंगलों की ओर। और तो भाई लोगों, हम इतने दूर पहुंच गए कि जहां हम पहुंचे हैं अभी, इस जगह का नाम ही पता नहीं कौन सी जगह पहुंचे हैं हम। यहां तो हमारा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क बंद। और हम आए थे बकरी वालों के ढूंढ में, अब बकरी वाले इधर गायब हो रखे हैं, मिल ही नहीं रहे जंगलों में। तो भाई भी अभी नज़र मारा नीचे खाले में, इधर तो नहीं होगा भाई, उधर नहीं है, नहीं हो सकते हैं, इधर ही आना पड़ेगा हमें। और पेड़ पौधे बहुत। हेलो दोस्तों, आज कल अभी तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है रह रखे अभी जंगलों में, तो गलती भी नहीं है बर्फ़, और काफ़ी टाइम तक रहती है बर्फ़। और अभी चलते हैं आगे भाई, हमारे तो हाथ भी जाम हो गए ठंड से। और भाई जी इधर तो ठंडा बहुत लग रहा भाई, और भेड़ बकरी वाले अभी तक नहीं मिले, पता नहीं कहाँ गए। और भाई तो अब जा रहे हैं हम तो भेड़ों के ढूंढ में। और गाइस ओह ठंडा भी बहुत लग रहा है, और भाई घूमने का मस्त मज़ा आ रहा है। देखो भाई इधर बर्फ में तो ऐसे लग रहा है ना, बाघ की चांगी लग रही नीचे, बाघ के निशान दिख रहे हैं। जहाँ हमने गाइस पहुँचना था डेरे पे, वहाँ हम पहुँच ही गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर भाई कम से कम हमें तो कम से कम 3 घंटे लग गए चलते चलते पैदल। और कम यहाँ पर ना भाई भेड़ों की इतना मज़ा है ना जंगलों में कि दिन भर बहुत मज़ा है। और गाय इधर ना पहाड़ों में ना बहुत बढ़िया है, पेड़ पौधे हरियाली है, 6 महीने इनके लिए ऐसे घास चरने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, इधर देखो गाय ये कुत्ता भी मज़े से सो रखे हैं जगह जगह, करीबन 6 कुत्ते हैं यहाँ टोटल, एक काला कुत्ता ऊपर से आ गया है। और सीधे वो कुत्ते काटेगा तो नहीं, एक सीधे ऐसे कुत्तों से डर लगता बहुत काट, क्योंकि पिछली बार मुझे कुत्ते ने काट दिया था गांव में। और एक कुत्ता है, आ जा आ आ आ टॉमी, आ जा आ जा आ जा आ जा जा शेरू, आ आ आ आ आ। तो कुत्ता अभी आ नहीं रहा, अभी नाराज़ हो रखा है मेरे ख्याल से, ये थक रखा होगा कुत्ता कल से चलते चलते। और आज ये डेरी नहीं है, आज तो हम यहाँ पर भेड़ों की भेड़ की दूध की चाय पियेंगे मस्त तरीके से। तो इधर से लालू भी आ गया, आ जा आ जा शेरू, ऊपर से कालू भी आ गया है, दोनों कुत्ते आ गए हैं यहाँ पर। तो गाइज दोनों कुत्ते हैं, ये तो भोटिया लग रहा है गाइज। और इसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर में डेरे में, तो गाइज वहाँ चाय चुई पियेंगे। और वैसे ना गाइज इनको भेड़ वालों की ना बेचारों बहुत परेशानी है, चाहे बारिश है दिन रात इनकी ड्यूटी लगी रहती है, इनके एक दिन की इनके पास छुट्टियाँ भी नहीं होती है। और तो इनको परमानेंट भारी रहना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बकरियाँ भी ज़्यादा है और भेड़े भी इनके पास, बकरियाँ तो अलग है अभी, भेड़े तो ये हैं। और गाय जे अभी इधर बारिश लगे चाहे कुछ हो, इनकी जो ड्यूटी है वो करनी पड़ती है, बेचारे कपड़े भीग जाते हैं। और सारे भेड़े आ गए हैं अपने अड्डे पे,
जान होने आना था अपने डेरे के पास। यहाँ पर अभी दो तीन कैमरा ठीक है, छोटे छोटे बच्चे और बेचारे चिल्ला रहे हैं। अभी बहुत सारे आएंगे उधर से गाइस, ये करीबन इनके पास है 600 साढ़े 600 जीवन है। अरे बच्चा बेचारा इस तरह चिल्ला रहा क्योंकि इसने अपनी मम्मी को देख लिया है चिल्लाते हुए। अब उसकी मम्मी सीधे यहाँ पर आएगी और अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। और गाइस तो अभी इन सारे भेड़ों को भाई लोग नमक देते हैं और नमक खा के फिर इनको चारा डालते हैं, बांध के पत्ते बांध काटते हैं। और गाइस तो शाम को यहाँ पर सब भेड़े इकट्ठे हो जाते हैं। चलो 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 नीचे चलो भाई। भेड़ों को तो कोई भाई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि भाई अब नीचे लगा दो। अब इस भेड़ में मैं इस बीच वाले को लूँगा भाई। तो भाई हमने पैसे दे दिए भाई के पास 4000 रुपये। और तो भाई बोल रहा कि अरे भाई 500 रुपये और दे दो बल, क्योंकि भाई जी बोल रहे हैं कि 4500 रुपये से कम नहीं है। बोला अच्छा है, और जोड़ा लोगे तो 8000 का सिंगल लोगे तो 4500 का। और भीड़ इनके पास बहुत ज़्यादा है गाइस, इस भाई को जो मैं संपर्क कर सकते हैं। और भाई देखो इन भीड़ों के पास अभी